हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अलमी एंटरटेनमेंट। मैं हूं सुफियान मकला और अभी इस वक्त मैं सायन में हूं और मेरे साथ है फैजल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजल भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फैजल भाई। फैजल भाई, सबसे पहले तो अपने फार्म का नाम बताइए। ये खान गोट फार्म। खान गोट फार्म कहाँ पर आया? सायन पे, सायन सूरत। सायन सूरत, उलपाड़ तालुका। उलपाड़ तालुका, सायन जो की एक रेलवे स्टेशन का जंक्शन भी है। जी जी, रेलवे स्टेशन। ओके, रेलवे स्टेशन से करीब ही है, मेन बाजार में। रेलवे स्टेशन से कितना मीटर रहेगा ये? 100-200 मीटर। 100-200 मीटर बस, मेन बाजार ही। मेन बाजार, पोस्ट ऑफिस के सामने, खान गोट फार्म। फैजल भाई बताइए, लोगों को कितने साल से बना कर रहे हैं हम ये? हम 2014 से कर रहे हैं। 2014 और ऐसे पालते तो बरसों हो गए, बचपन से ही पालते। फार्म जो चल रहा है अपना वो 2014 से चल रहा है। ओके फैजल भाई, कितने एरिया में अपना पूरा फार्म है ये? तो पूरा घर और ये फार्म करो तो 1.5 बीघा जैसा है। ओके, और माशाल्लाह सब है, बकरी, बकरे, मुर्गी, सब। ब्रीडिंग सेटअप भी है? ब्रीडिंग सेटअप भी है, ये सामने की साइड है, ब्रीडिंग सेटअप है, बच्चे उधर होते। ओके हाँ ठीक है। फैजल भाई, अभी जो है हम कुर्बानी के लिए बकरे जो है जो हमें बेचना है, हाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम थोड़े कुछ बकरे दिखाते हैं लोगों को, हाँ, तो फैजल भाई क्या है कि समझ में आ जाएगा। ये सब सोजत ब्रीड के बकरे है और यहाँ सूरत के अपने एटमोसफियर में कम्प्लीट तैयारी है। सेट बकरे, सेट बकरे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैजल भाई कितने टाइम से बकरे आपके पास? ये समझो मेरे पास कितने तो इधर ही पैदा हुए और कितने लाया हूँ रमजान पहले से लाया हूँ, 3-4। अच्छा, घर की ब्रीड है? घर की ब्रीड भी है इसमें कुछ, घर की ब्रीड भी है और लाए हुए भी है, लेकिन सारे सेट है, सब सेट है इधर। ओके माशाल्लाह। फैजल भाई बताइए, सबसे छोटा कितने वजन पे रहेगा? सबसे छोटा तकरीबन 33 या 35 किलो पे है अभी तो। अभी ओके, और सबसे बड़ा कितना, हैवी कितना वजन है? हैवी होगा 65 से 70 के बीच में, ये सोजत जो है वो। ये लोट में सारे खस्सी बकरे हैं? सब खस्सी है इसमें। ओके माशाल्लाह, और गुलाबी में भी है और फुल व्हाइट वाले बकरे, फुल व्हाइट भी है, दो तीन है कलर में, लेकिन सारे सोजत नहीं है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बकरे है। फैजल भाई क्या रेट में हम देंगे इसमें? सब ये 525 रुपये के जी से है। 525 रुपये के जी, और यहाँ रखना चाहते हो तो 60 रुपीज़ पर डे। 60 रुपीज़, हाँ, कुर्बानी के दिन तक, मतलब ईद के अगले दिन तक। हाँ, ईद के अगले दिन तक। ईद के अगले दिन तक, अगले दिन तक। ओके माशाल्लाह। फैजल भाई तो टोटल हमारे पास कितने बकरे? ये मेरे पास 51-52 जैसे बकरे है। 50+ बकरे है? हाँ 50+ है। ओके चलिए, तो 50 से ऊपर ज्यादा बकरे है सोजत में है, 525 रुपये के जी। सूरत के अपने वेदर में यहाँ पे सेट है सारे माशाल्लाह, 35 kg टू 65-70 kg तक के बकरे रहेंगे। फैजल भाई हम ऑनलाइन में बेचेंगे या नहीं? जी तो डिलीवरी उनके लेने का रहेगी, डिलीवरी उनको लेने का रहेगी, लेकिन ऑनलाइन में हम बुक करेंगे। हाँ, अगर समझो किसी को जैसे यही वाला बकरा पसंद आया, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजा, आउट ऑफ सूरत से है कहीं, हाँ, से, तो हम बुक करेंगे। हाँ बुक करेंगे, डिलीवरी उनके लेने की रहेगी। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट हम नहीं करेंगे, हाँ, उनको यहाँ के लेके जाना। ओके, ऑनलाइन का फैजल भाई क्या सिस्टम रहेगा, जैसे कि पेमेंट का? पेमेंट का अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा, उनके जेन्युइन पेमेंट डालना पड़ेगा, होगा तो फिर दे देंगे। ओके चलिए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी है, जिसको ऑनलाइन में बुक करवाना हो तो फैजल भाई जो स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं। कुछ बकरे हम दिखाएंगे अभी आपको उसमें से पर्सनली। फैजल भाई एक और बात पूछनी थी जी, कि कस्टमर जो अपने यहाँ से भी लेता है, मतलब यहाँ आके भी खरीदता है, उनको भी पेमेंट फुल करना, पेमेंट फुल करना पड़ेगा आपको, लेना लेके जाना है इससे अगले दिन तक चलेगा, हाँ, इसके अगले, लेकिन पेमेंट फुल करना है, पेमेंट फुल करना है। ओके, और फैजल भाई इसका 60 रुपीज़ पर डे वो जितने दिन रहेगा उतना, जितने दिन रहेगा। फैजल भाई और एक बात की समझ लो, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, मोर्टालिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनकी रहेगी, उनकी रहेगी, हाँ, कस्टमर की जवाबदारी, हाँ, कस्टमर की जवाबदारी। ठीक है, अगर फैजल में कोई ऐसा होता है जी, कि कोई आके आपको एक बकरा अपने मतलब सूरत से यहाँ से लोकल कोई आके खरीद के जाता है, बराबर, एक दो दिन बाद उनको कुछ शायद ऐसा माइंड हुआ कि ये नहीं दूसरा लेना चाहिए, तो हम एक्सचेंज करेंगे? अगर होगा और सोजत ब्रीड में होगा तो फिर देखेगा, देखी जाएगी, तो फिर क्या है वो हिसाब से, हाँ, क्योंकि आज किसी ने एक बकरा लिया, सिंग वाला लिया, अभी बोले कि भाई मुंडा लेना है, तो फैजल भाई एक्सचेंज कर दो, दूसरा वाला दे दो, जब टर्म्स देख लेंगे क्या पोजीशन है, मार्केट का कोई पोजीशन मालूम नहीं रहता, बिल्कुल, यो इसलिए, क्योंकि जो आएगा वो खूबसूरत देख के ही लेगा पहली चीज, वो तो है, लेकिन फैजल भाई मैं चाहूंगा जो अपने चैनल से आएंगे तो आप उनको ये थोड़ी फैसिलिटी या तो कर दो
कि चलो अगर उनको ये नहीं दूसरा वाला लेना है हाँ, तो उनको एक्शन, लेकिन हाँ, उस टाइम पीरियड रख देना कि भाई 3 दिन में या 2 दिन में आपको हाँ, अगर वो ऐसा करना उसके बाद नहीं कर पाएंगे, बाद नहीं कर पाएगी और अवेलेबल होगा तो वो भी अवेलेबल रहेगा तो कि भाई हाँ अपने पास और बकरा है तो ओके। फिर भाई इसके अलावा कुछ और माल लाने का कोई गुंजाइश है, कुछ प्लानिंग? नहीं अभी ये क्या वेल सेट माल है, इसके साथ दूसरा ला के ना उसको बीमार करना ये अपने को ये नहीं, किसी की फिर अमानत रह जाती है ना अपने, बिल्कुल इसलिए सही है। चलिए तो खान गोट फार्म जो कि लोकेटेड है सायन में रेलवे स्टेशन से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर, फैजल भाई हम कुछ बकरे खास जो आपको अच्छे लगते हैं वो वाले दिखाएंगे कि कितने दांत पर है, तो इतने सारे कौन से कितने कितने दांत पर रहेंगे? ये सब इसमें कुछ अदाद भी है, कोई 2 दांत पे कोई 4 दांत है, सिर्फ एक ही है उसके 8 दांत है, ये लाल वाला है वो, बाकी सब कुछ 4 या 2 दांत पे। ओके फैजल भाई कोई बकरा लेंगे हम, ये वाला पिंक है बिल्कुल, पिंक है खूबसूरत है, अपने पास ही घुमा करेगा ऐसे, नहीं माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है ये भी। फिर ये कितने दांत पर रहेगा? ये भी 2 या 4 दांत है, 4 दांत है, 4 दांत। और इसका कितना वजन होगा अंदाजन? ये 60 के 65 के आसपास है, 65 के आसपास है, 525 रुपए केजी में, 500। ओके फिर 525 में कुछ नेगोशिएबल होगा या फिक्स रेट है? फिक्स ही है अभी तो, देखी जाएगी कुछ मार्केट के हिसाब से चलेगा कुछ नेगोशिएबल करेंगे, सब आपको मालूम बहुत सब कुछ महंगा हो चुका है, पलाई भी महंगी हो चुकी है, बकरे महंगे हो चुके हैं, सब कुछ महंगा हो चुका है, माशाल्लाह बकरे अच्छे हैं, फैजल अच्छे यहाँ सेट हैं पूरे इसमें। फिर भाई ये इसमें हैदराबादी भी दिख रहा है जी, हाँ वो एक हैदराबादी है, वो नॉट फॉर सेल है, वो सेल में नहीं है, वो सेल में नहीं है, वो तो सब फैमिली के साथ बाहर आ गया, हाँ वो अगर अंदर रखते तो खाली स्ट्रेस में आ जाता, बूम बहुत पड़ता। ओके नहीं तो बहुत खूबसूरत बकरा है, वही मैं सोच रहा हूं कि माशाल्लाह हैदराबाद भी है, इसमें कान भी अच्छे हैं इसके, ना वो ब्रीड में हैदराबाद में बच्चे बेचते हैं हम जी, बेचते हैं तो इंशाल्लाह वो भी एक ईद के बाद बताएंगे इंशाल्लाह। फिर ये वाला एक खस्सी बकरा, हाँ ये भी खस्सी अच्छा है खूबसूरत, क्या क्या डिटेल्स पे रहेगा ये? ये भी 50-55 किलो के आसपास होगा सर, 50-55, लेकिन इसका कलर पैटर्न कलर बहुत अच्छा है, यूनिक कलर, एकदम यूनिक कलर में माशाल्लाह, लंबी गर्दन में हाँ। फ्रेम अच्छी, अगर कोई पालने भी सारे बकरे ऐसे कि कोई उसमें से पाल भी सकता है, जी जी पाल सकता है, फार्म के अंदर ऐसे रखने पड़ते हैं कि 2-3 साल भी अपनों को रहेगा तो वांधा नहीं आता, और वो ग्रोथ पकड़ता है उस हिसाब से ही, प्रिपरेशन से पालने वाले ज्यादा आते हैं इसके बाद, उनको बोलो सबको इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, एक मेरे जा शारदा उधर झाड़ है ना खाने का। फैजल भाई जी बच्चे लाके ही बड़े करते हो या बच्चे इधर के भी छोटे बच्चे लेके भी बड़े करते हैं, कितना अपने में से भी हो जाते हैं यहाँ जो हमारी बकरियों के है पूरा साल, ये भी है होम ब्रीड का, ये 1-2 सब ये दौड़ रहे हैं उसमें से, इधर पीछे फैजल भाई पूरा देखो पूरा साल हम ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, पूरा साल ट्रेडिंग रहता है। ओके मतलब में हाँ, यानी कि इसके अलावा भी जो अगर हाँ, किसी को चाहिए तो खसी बकरे अवेलेबल होते हैं, मिल जाए। फैजल भाई कोई अगर क्वांटिटी में लेना चाहता है 20-25-30 बकरे जी जी, उनके लिए रेट के बारे में क्या बताओगे आप? यही रहेगा या फिर उसमें कुछ होगा ना? थोड़ा हो जाएगा ना हाँ। ओके चलिए माशाल्लाह, तो 50 बकरे हैं सूरत में है सायन, जिसको भी लेना है कांटेक्ट करें, खान गोट फार्म नंबर जो मैं स्क्रीन पर दिया हूँ। फैजल भाई हम इस वीडियो को खत्म करेंगे जी, फिर से एक बार हम बता दें कि 525 रुपए पर केजी है, सोजत में है, सारे वेल सेट है जी, और यहाँ पे आप रख सकते हो 60 रुपीज पर डे पर डे, एक ही प्राइस है अपने पास, कोई और कलर में कोई वजन में कोई प्राइस नहीं ना, अभी यही रखी हुई है क्योंकि वैसे सारे बकरे आपके तो सोचे थे, सोचे एक बकरा गुजरी है उसमें हाँ, ये भी एक ही बकरा, बाकी सारे बकरे वो इधर की है होमब्रीड में, होमब्रीड में ही है हाँ, एक बकरा वो उसका भाई है वो हैदराबादी है, और ये कुदरती और तीसरी पूरी व्हाइट गुलाबी। अच्छा ओके चलिए, तो सारे बकरे जो है इसमें मैं बताऊं आपको, पिंक में भी है रेड में है, बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फिर बकरे आपके अच्छे पसंद आए, मतलब साफ सुथरे बकरे हैं, और आपका फार्म जो है फार्म का स्टाइल जो है बिल्कुल पूरा ऊपर बनाया हुआ है जी जी, ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर आराम से रह सके, क्या पेशाब मिंगड़ी उनका नीचे गिर जाए बिल्कुल नीचे, वो नीचे गिर जाता है, बारिश अभी जस्ट 10 शुरू हुआ 1 अल्लाह के लिए, लेकिन देखो बकरे
माशाल्लाह। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे। कांटेक्ट कीजिएगा खान गोट फार्म को, आपको जब भी आना है कांटेक्ट कर सकते हो। अपना टाइमिंग क्या रहेगा अगर किसी को यहाँ? एनी टाइम फोन करके आओ, फोन करके आओ, फोन कर दो बस। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।